नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। पूरे देश में ठंड का सितम जारी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे आम जनमानस के साथ जानवरों का भी हाल बेहाल है। और इस भीषण सर्दी को देखते हुए लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान ने जानवरों को राहत पहुँचाने के लिए हीटर और कम्बलों का इंतजाम किया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पहाड़ों पर हो रहे भारी बर्फबारी से तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं इस कड़ाके की ठंड से आम जनमानस के साथ साथ जीव जंतुओं को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भीषण सर्दी को देखते हुए राजधानी के प्रसिद्ध जू नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में जानवरों को राहत पहुंचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। दरअसल चिड़ियाघर में जानवरों को हीटर और कंबलों के प्रबंध किए गए हैं। बाघ, बब्बर, शेर और भालुओं के बाड़े में हीटर और कंबल के अलावा पुआल भी डाला गया है, इससे कि उस पर बैठने से उन्हें गर्मी मिल सके। तो वहीं जीवों के बाड़े में हीटर लगाए गए हैं, क्योंकि उन्हें अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए ऊष्मा की लगातार जरूरत होती है। वहीं एवियरी प्रजाति के बाड़ों को तिरपाल और प्लास्टिक शीट से ढक दिया गया है। सर्दी से बचाव के लिए चिड़ियाघर के जानवरों और परिंदों के आहार में भी बदलाव किया गया है। जानवरों को विशेष शीतकालीन आहार दिया जा रहा है, जिससे उन्हें अधिक वसा और प्रोटीन वाला खाना दिया जा सके, ताकि उनके शरीर में ऊर्जा का स्तर बना रहे, क्योंकि कई जानवर ठंड के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। वहीं नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में कार्यरत पशु चिकित्सक डॉक्टर अशोक ने प्राइम टीवी से खास बातचीत में कैसे पशुओं की ठंड में कैसे देखरेख की जाए, इसको लेकर जानकारी दी। तापमान में गिरावट से आम जनमानस के साथ पशु पक्षी भी परेशान है। अब इस वक्त हम लखनऊ के सुप्रसिद्ध जू में हैं और हमारे साथ क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, साथ ही साथ पशुओं को क्या क्या बीमारियां हो रही हैं इस वक्त, वो इस मुद्दे पे जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर अशोक हैं। अशोक जी, हमें ये बताएं कि इस वक्त अगर बात की जाए तो आम जनमानस के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए भी ठंड की मार झेल रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और कौन कौन से रोग इस वक्त होते हैं? जैसे आमतौर पर देखा जाए तो मनुष्यों में ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज और तमाम अस्थमा समेत तमाम बीमारियाँ होती हैं, पशुओं में क्या क्या होते हैं और क्या इंतजाम है? देखिए कि आपने बिल्कुल सही कहा कि तापमान तो काफ़ी गिरा है और जैसे आदमी परेशान होते हैं ठंडी से, वैसे जीव जंतु भी परेशान होते हैं, तो उसकी व्यवस्था हमने पहले से नवंबर से कर रखी है। तो हमारे यहाँ कम से कम काफ़ी स्पीसीज हैं, तो उनका सबका स्वभाव अलग अलग होता है, तो हमको उनकी व्यवस्थाएँ भी अलग अलग करनी पड़ती है। जैसे आप हिरण प्रजाति को देख लीजिए, आप देखेंगे कि उनमें हमने जो है उनका शेड बना रखा है, उसमें पुआल डाल रखा है, तो उसके अंदर जो वो रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, तो उनको बहुत गर्मी मिलती है हिरणों को, तो उससे उनको जो ये इतना तापमान गिर रहा है उससे उनको बचाव होता है। और उनके दाने के अंदर हम मूंगफली खली और सरसों की खली भी मिलाते हैं, जिससे कि उनको उसमें गर्मी शरीर में मिलती है, और उनके दानों में हम कुछ ऐसे मिक्सचर मिलाते हैं दवाइयों के, जिससे कि उनको उससे बचाव होता है। दूसरी हमारी चीज़ है लायन है, हमारे पास टाइगर हैं, हमारे पैंथर हैं, उनको हम मीट में भी कुछ दवाइयाँ देते हैं, और उनके कमरों के अंदर हमने खिड़कियाँ हैं जो सब हमने बंद कर रखी हैं, जिससे क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता है और ठंडी से उनको बचाव होता है। किसी किसी जगह हमने हीटर भी उनके कमरों में लगा रखे हैं, जिससे कि रात्रि में हम हीटर चलाते हैं, क्योंकि सुबह तो वो घूमते हैं बाहर, रात्रि में जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हम हीटर भी उनको लगाते हैं। हमारा चिंपैंजी है, उसके हमने कमरे में उसको कंबल दे रखा है, हमने उसको हीटर दे रखा है, और रात्रि में सब खिड़कियां बंद रहती हैं, तो उससे उसको ठंड में बचाव होता है। तो हमारे साथ नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के डॉक्टर अशोक थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि छोटे से लेकर बड़े जानवर तक, चाहे पशु पक्षी हो, हर एक जीव जंतुओं के लिए पूरी बेहतर व्यवस्था की गई है, साथ ही उनकी फीडिंग में भी बदलाव की गई है। सर्दियों में प्राणी उद्यान द्वारा विशेष इंतजाम करके पशु और पक्षियों को सर्दी में गर्मी का एहसास कराने के भरकस प्रयास किए जा रहे हैं।
पहाड़ों पे हो रही भारी बर्फबारी से जमीन वाले इलाकों में कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है। अब इस तापमान के गिरावट से कहीं ना कहीं भीषण ठंड भी देखने को मिल रही है। आम जनमानस के साथ साथ जीव जंतु भी इस भारी ठंड से परेशान हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के सुप्रसिद्ध नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में। यहाँ जाकर हम तमाम पशु पक्षियों की कैसे उन्हें रखा गया है ठंड में, इसका जायजा लिए, साथ ही उनके देखरेख करने वाले डॉक्टरों से बात किए तो साफ तौर से कहना था कि छोटे जानवरों के लिए उनके बेड़े में हीटर लगाए गए हैं, साथ ही जो बड़े जानवर हैं उनके बेड़ों में पुआल बिछाए गए। वहीं अगर बात की जाए तो दरियाई घोड़ा से लेकर अब जो तमाम जिराफ और तमाम जो जानवर हैं उनके लिए पुआल उनके बेड़े में लगाए गए हैं। वहीं अगर बात करें तो सांपों के लिए भी हीटर लगाए गए हैं और पूरे उनकी डाइट के भी बदलाव किए गए हैं जिसे वो ठंड का एहसास न देख सके। तो साफ तौर से अगर देखें तो पूरी सुसज्जित ढंग से नवाब वाजिद अली शाह उद्यान में पशु पक्षियों को रखा गया है। कैमरामैन सुधीर के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।